नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। लखनऊ उत्तर प्रदेश के काकोरी क्षेत्र पांच नगर में बने शहीद पार्क में 21 दिसंबर को लखनऊ के काकोरी शहीद पार्क में मनाया गया शहीद दिवस। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काट कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष यहाँ बलिदान दिवस मनाया जाए, जिससे लोगों को यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो। लखनऊ के काकोरी शहीद पार्क में मनाया गया शहीद दिवस। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काट कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि हर वर्ष यहां बलिदान दिवस मनाया जाए, जिससे लोगों को यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि काकोरी शहीद स्मारक से जुड़ी सभी प्रदेश के बच्चों के अंदर अलख जगाने की होगी, जिससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसका नाम है। और उन्होंने कहा कि काकोरी अक्षतकांड में हर वर्ष खूब धूमधाम से भव्य मेले का आयोजन किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में काकोरी शहीद स्मारक का नाम हो। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि उत्तर प्रदेश को आगे लाने का काम करें और प्रदेश में ही नहीं देश में भी लाने का काम करें। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर वन पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह काम बखूबी किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। काकोरी ट्रेन एक्शन में सम्मिलित अमर शहीदों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजन प्रसाद लाहौरी जैसे वीर शामिल थे। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने और महापौर लखनऊ सहित भाटिया विधायक आशुतोष टंडन, विधायक नीरज बोरा, विधायक अमरीश रावत, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार लोधी, इन सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ बच्चों ने अपनी संस्कृति कला से सभी का मन मोहा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।